वो उफान फिर आ गया। वो तूफान फिर आ गया। वो संकट फिर छा गया। जो हर साल तबाह करता है, जो हर बरस बर्बाद करता है, हर साल जुलाई में वो आता है, तीन करोड़ लोगों को बंधक बना लेता है, दो हजार जिंदगियां निगल लेता है, बीस हजार करोड़ का सदमा देकर जाता है, तैरती तबाही से सावधान इंडिया, बूंद बूंद बर्बादी की ऑल इंडिया रिपोर्ट। जी हाँ, ये वो उफान है जो हर साल देश को बर्बाद करता है। बहती बर्बादी देश को हर साल ऐसा दर्द देकर जाती है जिससे उभरने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अफसोस कि साल भर बाद वो फिर लौट आती है। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, देश भर में हर साल करीब 40 मिलियन हेक्टेयर इलाके में सैलाब आता है। पानी का प्रहार हर साल करीब 3 करोड़ जिंदगियों पर भारी पड़ता है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हर साल औसतन 1685 लोगों की बेवक्त जान चली जाती है। यह आंकड़ा दरअसल दुनिया में बाढ़ और बारिश से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा है। भारत में सैलाब से हर साल जितनी मौतें होती हैं, वो दुनिया में होने वाली मौतों का सिर्फ 20% है। सिर्फ इंसान ही नहीं, हर साल करीब 1.25 लाख पशुओं की जान जाती है, 12 लाख से ज्यादा घर तबाह हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस बार हो रहा है, जो मंजर गुजरात में है वो भयभीत करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में सावन की बारिश कहर बरपा रही है। हालात किस कदर खराब हैं उसे इस तस्वीर से समझिए। सिर्फ 10 सेकंड में पक्की सड़क खाई में तब्दील हो गई। ये अहमदाबाद शहर का हाल है, जहां एक महीने पहले ही ये सड़क बनी थी, लेकिन बारिश ने इस सड़क की कलई खोल कर रख दी है। बड़ी बात तो ये कि ये मंजर मेट्रो पिलर के बेहद करीब का है। अब जरा वापी की हालत देख लीजिए, जहां नेशनल हाईवे 48 पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं, उससे कहीं ज्यादा हाईवे पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद बर्बादी का ये मंजर हर पल हादसे को न्योता दे रहा है। उनको पब्लिक के लिए कोई पड़ी नहीं हुई, हाईवे की हालत इतनी बुरी है, 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे गिरे हुए हैं। बलसाड़ से आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरा हाईवे तबाह हो चुका है, मगर आईआरबी वाले सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स लेने में ही पड़े हुए हैं। फिलहाल गुजरात में बारिश का कहर थमा है, लेकिन आसमानी खतरा 20 जुलाई के बाद कभी भी लौट सकता है। इससे पहले बारिश और बाढ़ ने 60 लोगों की जान ले ली, हालांकि 811 लोगों को
मौत के मुंह से निकाला भी गया। सैलाब की आहट सुनते ही 13,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, लेकिन इस दौरान करीब 500 मवेशियां बाढ़ की भेंट चढ़ गईं, तो 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल का भी नुकसान हुआ। गुजरात के लिए पिछला एक हफ्ता काफी भारी था। सैलाब ने ऐसा सितम दिया कि उस लम्हे को याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यकीन ना हो तो नौसारी की यह तस्वीर देख लीजिए। एनडीआरएफ की टीम ने पहले इस घर में फंसे लोगों को लाइफ जैकेट दिया, फिर उन्हें लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। इजी इजी, आराम से बस पकड़ ले, बस नवसारी के गोलावार गांव में हर ओर पानी ही पानी था। यहां एनडीआरएफ के जांबाज जवानों ने रस्सी के सहारे फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ ने इस गांव से 75 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। स्थानीय प्रशासन द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये भाटा गांव में कुछ 30 से 40 के करीब जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू का काम हमने करना था। तो हमारी अभी लगातार अभी दो बोट हमारी है, 2/7 बटालियन की बोटें हैं, उस 5 बोट तकरीबन हम लोग लेके आए हैं ताकि इनको एक साथ रेस्क्यू किया जा सके। हम लगातार 3 या 4 दिन से रेस्क्यू का कार्य कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमने 200 से 250 के करीब लोगों को जो है रेस्क्यू किया है। 1.5 साल के बच्चे और उसके पिता को एयरफोर्स के जांबाजों ने सैलाब के बीच से रेस्क्यू किया। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। यहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई तो लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए। ऐसे में इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। बीते हफ्ते वलसाड़ भी बाढ़ से कराह रहा था। बड़ी बड़ी सोसाइटी पानी में डूब गई, लोग अपने फ्लैट में कैद थे, राशन पानी सब कुछ खत्म हो चुका था, बीमार के पास दवाई तक नहीं थी। ऐसे में एनडीआरएफ के जवान इनके लिए देवदूत बनकर आए। देखिए कैसे एक बीमार बुजुर्ग को स्ट्रेचर में बांधकर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। कई दिनों से फंसे इन लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जब लाइफ बोट्स के साथ सोसाइटी में पहुंची तो कई महिलाओं के चेहरों पर अपने आशियानों को छोड़ने का दर्द साफ दिख रहा था। लगातार बारिश से गिर सोमनाथ में भी बाढ़ का कोहराम दिखा। यहाँ खेत खलिहान से लेकर मकान दुकान हर जगह पानी ही पानी था, सड़क पर कमर तक पानी। कहते हैं सैलाब से पंगा भारी पड़ता है, सैलाब को कम आका तो लेने की देनी पड़ सकती है। ये गलती हो गई इस ट्रैक्टर ड्राइवर से। 12 सेकंड के इस वीडियो में ट्रैक्टर समेत ड्राइवर और उसका एक साथी सीधे पानी में पहुंच गया। ड्राइवर ने सोचा कि रफ्तार से सैलाब को काट देगा और सुरक्षित बाहर निकल जाएगा, लेकिन पानी की गहराई और लहर का आकलन असंभव है। वेगड़ी नदी को पार करना भारी पड़ गया। बीच मझधार में ट्रैक्टर का संतुलन बिगाड़ने के बाद ड्राइवर और उसका साथी ट्रैक्टर समेत नदी में जा गिरे। यहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उनकी जान बचाई। सैलाब से मजाक की एक और तस्वीर देखिए। गुजरात के साबरकांठा की तलोद नदी की पट्टी में बालू भरने की कोशिश हो रही है और इसके ठीक पीछे सूखी हुई नदी पट्टी में अचानक सैलाब आता दिख रहा है। पानी देखते हड़कंप मचा। तुरंत ही ड्राइवर ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई और पानी ट्रैक्टर तक पहुंच गया।
और कुछ सेकंड के अंदर हाल देखिए। गुजरात के राजकोट का मंजर देखिए, जहां बारिश और बाढ़ लोगों के लिए काल बन कर आई। सड़कों पर उफनता सैलाब कैसे संकट का भंवर साबित हुआ, उनकी वानगी देखिए। राजकोट के न्यारा गांव में पुल पार करते वक्त ये शख्स पानी की तेज बहाव में फंस गया। जिंदगी और मौत में बस कुछ इंच का फासला रह गया था, लेकिन गनीमत थी कि वक्त पर ये देवदूत पहुंच गए। ट्रैक्टर और रस्सी लेकर पहुंचे इन फरिश्तों ने भंवर में फंसे इस जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया। बाढ़ में हर साल देश का करीब 21,200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतनी रकम में 106 किलोमीटर मेट्रो लाइन बन सकती है, 3,027 किलोमीटर टू लेन हाईवे बन सकता है, 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लगभग 1,324 किलोमीटर फोर लेन हाईवे बन सकता है। बाढ़ से जितना हम हर साल गवा देते हैं, उतने में 16 एम्स जैसे हॉस्पिटल बन सकते हैं, और अगर इतने पैसे बच जाएं तो हम 914 केंद्रीय विद्यालय बना सकते हैं, और इतने हजार करोड़ रुपए अगर बच जाएं तो हम आईआईटी जैसे 18 संस्थान बना सकते हैं। बारिश और बाढ़ की त्रासदी गुजरात जैसे विकसित राज्य को कैसे तबाह करती है, बीते एक हफ्ते की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, उससे समझिए। गुजरात के सबसे बड़े शहरों में से एक अहमदाबाद का हाल किस कदर बेहाल हुआ, पिछले हफ्ते की इन तस्वीरों से अंदाजा आप खुद लगाइए। इस मंजर को देखकर आप अहमदाबाद को दरियाबाद भी कह सकते हैं। क्या शहर, क्या सड़क, क्या गली, क्या घर। अहमदाबाद में पानी ने ऐसा रूप दिखाया कि हर ओर पानी का ही राज नजर आया। अहमदाबाद की एक सोसाइटी के अंडरग्राउंड पार्किंग का हाल देखिए, जहां ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियां पूरी तरह से पानी में समा गई। अब जरा छोटा उदयपुर की भी एक और तस्वीर देख लीजिए। नदी के किनारे अर्जुननाथ महादेव मंदिर का कुछ हिस्सा पहले पानी में गिरा। फिर कुछ ही देर में मंदिर का आधा हिस्सा पानी में समा गया। गुजरात के वलसाड़ जिले से आई इस तस्वीर को भी देखिए। बाढ़ के पानी के बीचों बीच इस घर की छत पर 5 लोग फंस गए। ये 5 लोग रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे। एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर ने छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एनडीआरएफ का जवान पहले खुद छत पर उतरा, फिर एक एक कर वहां फंसे लोगों का एयरलिफ्ट हुआ। वलसाड़ से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां एक ऑटो बाढ़ के पानी में बह गया। बीते हफ्ते सूरत का क्या हुआ वो एक बार फिर से देखिए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। हजीरा तहसील में मकान हो, दुकान हो या फिर खलिहान, हर जगह पानी का ही राज है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही थी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर थीं। जहां लहलहाते खेत थे, वहां पर नदियों ने पांव फैला दिया। पशुओं का चारा भी पानी में बह गया। खासकर निचले इलाकों में इतना पानी जमा हो गया कि लोग पानी में बंधक बन गए। जिन सड़कों पर कल तक कार, बाइक, फर्राटे भरती थीं, उन सड़कों पर अब मगरमच्छों का राज है। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं, जहां बारिश और बाढ़ से पहले से लोग परेशान थे। इस बीच मगरमच्छ नाम का ये नया मुसीबत आ गया।
वघोड़िया के पूजा पार्क के सामने जब लोगों ने इस मगरमच्छ को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने वन विभाग को मगरमच्छ के सड़क पर घूमने की सूचना दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद ये मगरमच्छ पकड़ा जा सका। बहरहाल गुजरात में आसमानी आफत पर फिलहाल विराम है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 दिन बाद हालात फिर से खतरनाक हो सकते हैं। अहमदाबाद से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। साल 2020 के एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान ने एक साल में बारिश और बाढ़ से 21,200 करोड़ रुपए गवा दिए। ये रकम कितनी बड़ी है उसे कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। हम एक साल में जितने पैसे बाढ़ की वजह से गवा देते हैं वो भोपाल नगर निगम के बजट से 7 गुना ज्यादा है, अहमदाबाद नगर निगम के बजट से 2 गुना ज्यादा है, जबकि बिहार के पटना नगर निगम के बजट से 12 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों के अनुसार आपको यह जरूर समझ में आ रहा होगा कि हम हर साल कितना नुकसान झेलते हैं। आपको आसमानी आफत से जूझते मध्य प्रदेश का मंजर भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इंसान, मकान, दुकान, खेत खलिहान, सड़कें, गाड़ियां, कोई डूब रहा है, कोई बह रहा है, कोई तैर रहा है। उफान और तूफान का ये वो मंजर है जो बहुत डराता है। बहुत दहलाता है। हर बरस पर सरकारी तैयारियां हर बार नाकाफी साबित होती हैं। इसलिए इंसान आसमानी आफत के सामने असहाय है, बहुत बेबस है। मॉनसून आता है, बारिश होती है तो देश का दिल मध्य प्रदेश जल प्रदेश में परिवर्तित हो जाता है। शहर से लेकर गांव तक, सड़क से लेकर गली तक, खेत से लेकर खलिहान तक, हर जगह सैलाब का राज कायम हो जाता है। हर साल बारिश के मौसम में जो तस्वीर इस बार दिख रही है वैसी ही हर बार दिखती है, भयभीत करने वाला भयावह दृश्य। पिछले एक हफ्ते में एमपी के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आईं वो बहुत ही डराने वाली हैं। तेज रफ्तार से जल धारा आई, बह गई बाइक और बह गया बाइक सवार। न तो समझने का मौका मिला और न ही संभलने का। होशंगाबाद में नदी के ऊपर बने इस पुल पर सैलाब था, बावजूद इसके बाइक से युवक पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था पर कर नहीं पाया। पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि बाइक हार गई और हार गया युवक। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। बाइक और युवक दोनों बह गए। गनीमत ये रही कि डूबते शख्स को तैरना आता था इसलिए जान बच गई। सैलाब आया, उफनती लहरें आईं तो ऑटो तिनके की तरह बह गया। विदिशा में इतनी बारिश हुई कि 17 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इसके बाद लाखों जिंदगियां मझधार में फंस गईं। घरों में जलराज कायम हो गया, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गईं। शहर में हालात कितने खराब हो गए इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं वहां नाव चलने लगी। इसी से जिंदगी को मदद पहुंचाई गई।
अस्पताल में पानी भर गया। बाढ़ का वो पानी, सरकारी तंत्र जिसका इलाज अब तक नहीं ढूंढ पाया है। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही मध्य प्रदेश का सबसे चमकता शहर भोपाल बदरंग हो गया। राजधानी की चमक पर कुछ इस तरह पानी फिर गया। शहर के निचले इलाकों में और भी बुरा हाल है। इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। तमाम लोगों को पानी जो भरा हुआ है सड़क पर, उसकी वजह से तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जुलाई के महीने में बताया जा रहा है कि अभी तक जुलाई आधी भी नहीं गुजरी है और 17 साल में इतनी ज़्यादा जुलाई के महीने में बारिश हुई है। अब तक मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए 17-18 इंच की बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से अब तक करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में जल से त्राही माम मचा हुआ है। बाकी जिले सूखे हैं, बरसात की बूंद के लिए तरस रहे हैं। यानी एक बड़े हिस्से में मॉनसून का इंतजार है, तो जहां मॉनसून आ चुका है वहां जिंदगी शासन और प्रशासन से मदद मांग रही है और भगवान से रहम। लेकिन कुदरत का कोप अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले वक्त में यहां और बारिश हो सकती है, मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। बारिश और बाढ़ से होने वाली बर्बादी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी कि अगर सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो दिमाग सुन्न हो जाएगा। लेकिन अफसोस, इस बर्बादी को कम करने की कोशिश तक नजर नहीं आती। आजादी के 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस तरफ सरकारें और सरकारी तंत्र ध्यान नहीं देती। 1952 से 2018 तक, यानी कि 76 सालों में देश में बाढ़ वाली बर्बादी से करीब 1,10,000 जाने जा चुकी हैं। 26 करोड़ हेक्टर की फसल अभी तक बर्बाद हो चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा घर बह चुके हैं या फिर ढह जाते हैं। 1952 से 2018 तक देश को बाढ़ वाली तबाही की वजह से करीब 5,00,000 करोड़ रुपए नुकसान हो चुका है। लेकिन अफसोस की नुकसान का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है हर साल हर मानसून में। यकीन ना हो तो महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देखिए। पानी के प्रहार का जो दर्द महाराष्ट्र झेल रहा है वो कोई भी राज्य नहीं। ये ऐलान इसलिए क्योंकि यहां 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से 27 जिले प्रभावित हैं। 250 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि जगह जगह उफान है और लहरें गरज रही हैं। ये पालघर की तस्वीर है। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे बनाने के काम में जुटे 13 मजदूर वैतरना नदी के तेज बहाव में फंस गए। सबसे बड़ी मुश्किल ये कि जिस जलधारा में जिंदगी फंसी थी उसमें करंट उतर गया, इसलिए एनडीआरएफ भी इन तक पहुंचने में पहले नाकाम रही। आखिरकार कोस्ट गार्ड की टीम आई, तब जाकर करंट वाले मझधार में फंसी जिंदगी बच पाई। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने पुणे, नाशिक और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़ जैसे जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहाँ पे भी भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। भंडारा जिले में तो वेन गंगा नदी में सैलाब अचानक इस कदर उमड़ा कि 15 श्रद्धालु मुसीबत के भंवर में घिर गए। ये लोग गुरु पूर्णिमा पर मंदिर गए थे, लेकिन अचानक आई बाढ़ में फंस गए। खबर जिला प्रशासन को मिली तो आनन फानन में एसडीआरएफ को मौके पर भेजा गया और 15 लोगों को बचा लिया गया। पुणे पर पानी का ऐसा प्रहार हुआ कि जिंदगी को जल से रण करना पड़ रहा है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि अंडरपास में लहरें उफान मारने लगीं। एक परिवार इसी वेग में फंस गया, बाद में इन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जल शहर बन गया।
मकान, दुकान, सड़कें, गलियां सब डूब गई। हालात कितने खराब हो गए उसकी गवाही सड़कों पर चलती, लोगों को बचाती एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की नाव दे रही है। महाराष्ट्र में शहर अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी सूरत एक सी है। बारिश के बाद भिवंडी पूरी तरह से पानी पानी हो गया। घर से लेकर बाहर तक जल का राज कायम हो गया। जिंदगी आसमान से गिर रहे जल से पस्त है, सैलाब से त्रस्त है। लेकिन मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि अभी तो ये झांकी है, असली बर्बादी तो आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अगस्त 2018 में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल प्राकृतिक आपदाओं से 79.5 अरब डॉलर का नुकसान झेलता है। भारत आपदाओं का बड़ा एपिक सेंटर है। एनडीएमए की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 58.6% इलाकों में भूकंप का खतरा रहता है, तो 12% इलाके ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ और कटाव झेलते हैं, जबकि देश के 5,161 शहरी निकाय हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। देश का 15% पहाड़ी इलाका हर साल लैंडस्लाइड की मार झेलता है, तो 5,700 किलोमीटर कोस्टल लाइन पर चक्रवात और सुनामी का खतरा मंडराता रहता है। हर साल हमारे 68% खेत सूखे की मार भी झेलते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की मार हमारे पहाड़ों पर कैसी पड़ती है उसकी ये तस्वीरें आपको रिपोर्ट में नजर आएंगी। बरसात के मौसम में जब पहाड़ दरकता है तो मंजर कितना डरावना होता है, उसकी सबसे बड़ी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई है। देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। यहां एक जेसीबी रास्ते को साफ करने का काम कर रही थी, तभी अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा। गनीमत यह रही कि जेसीबी पहाड़ से गिरे इस मलबे की चपेट में नहीं आई। देहरादून से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। सम्राट होटल के पास पहाड़ी दरकने से हाईवे पर भारी मलबा जमा हो गया है। ऐसे में आवाजाही ठप है, जिसका नतीजा ये है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। रुद्रप्रयाग जिले में बीते कई दिनों से रोज रात को बारिश हो रही है, जबकि दिन में तेज धूप निकल रही है। ऐसे में पहाड़ियां चटक रही हैं। लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर चंद दिनों पहले चमोली से आई थी, जब इस महिला और मौत के बीच फासला बस कुछ सेकंड का था। ये महिला रास्ते से गुजर रही थी, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। लेकिन खतरे की आहट सुनते ही महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। इसी रास्ते से कुछ देर पहले स्कूली बच्चे भी गुजर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि उस समय ये आपदा नहीं आई, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इससे एक दिन पहले चमोली के कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ी मलबा ब्रेकर बन गया। चपेट में दो पोकलैंड मशीनें आ गई, करीब का ढाबा भी बर्बाद हो गया। रास्ता जाम होने से जगह जगह लोग फंस गए। इस समय हमें बहुत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने का सब चीज़ का देखना पड़ रहा है। आसपास कुछ खाने की चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं और ना ही हम फंस चुके हैं, ना ही हम आगे जा पा रहे हैं, ना ही हम पीछे जा पा रहे हैं। 2 बजे के आसपास जो मलबा यहाँ पे ऊपर से स्लाइडिंग हुई है, ऊपर से वहाँ से होकर के पूरे पत्थर वगैरह आ गए यहाँ पे, दुकान में जो है दब चुकी है। यहाँ पे ढाबा था जो सीजनल चलाता है भाई, तो इसका जो ढाबा जो है पूरा तहस नहस हो गया इससे। पहाड़ पर कुदरत के कहर की सबसे डरावनी तस्वीर हाल ही में अमरनाथ से आई थी। बीती 8 जुलाई को जब आपदा आई, बादल फटा, पानी के साथ पहाड़ का मलबा हाहाकार मचाता हुआ नीचे की तरफ आया, तो अफरा तफरी मच गई। जहां दर्जनों टेंट लगे थे, वहां लोग मुसीबत से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। जैसे जैसे पानी टेंट की तरफ बढ़ रहा था, लोग जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। मोबाइल से वीडियो बना रहा शख्स लोगों से टेंट से दूर हटने और ऊपर चढ़ने के लिए कह रहा था। अरे यार वो बंदा, वो गई यार, गई गई, अब गई,
दब गई, वो पत्थर के नीचे दब गई। बेबस लोग अपनी आंखों के सामने इंसान को बहते हुए देख रहे थे, लेकिन पानी के प्रचंड वेग के आगे कुछ भी कर पाने में नाकाम थे। ये पूरा वीडियो 2 मिनट 20 सेकंड का है। करीब 2.5 मिनट में पानी पहाड़ से आया और कई टेंट को अपने साथ बहा ले गया। इस त्रासदी के बाद लोगों की तलाश में सेना के जांबाजों ने दिन रात एक कर दिया। उम्मीदें कम थीं। फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं हुए और अब फिर से अमरनाथ यात्रा जारी है। मानसून और बारिश का एक दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, असम, दरअसल देश के ये वो राज्य हैं जो मानसून के बारिश से सैलाब का सामना कर रहे हैं। मतलब एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में जिंदगी जल संकट से घिरी हुई है। लेकिन एक सच ये भी है कि ज्यादातर राज्य अभी भी मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहां अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं कि बारिश हो, और बाकायदा इसके लिए पूजा पाठ हो रहा है, बाकायदा इसके लिए हवन पूजन किया जा रहा है। लेकिन सुन है कि उन राज्यों में दस्तक ही नहीं दे रहा, लेकिन दक्षिण के राज्य जल संकट से अभी भी जूझ रहे हैं। डरावनी लहरें, पानी का प्रचंड वेग और मझधार में घिरी 3 जिंदगियां, अगर कदम उखड़े तो अनहोनी तय। मंजर तमिलनाडु के सेलम का है, जहां कर्नाटक के बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से मेट्टूर डैम उफान पर है। कावेरी नदी में पानी क्षमता से 1.2 लाख क्यूसेक ज्यादा आ चुका है। ऐसे में मेट्टूर बांध का जलस्तर अपनी अधिकतम क्षमता 120 फीट तक पहुंच चुका है। इसे देखते हुए सेलम जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी भी जारी की थी, नदी किनारे न जाने की सलाह दी थी, सैलाब के साथ सेल्फी लेने से बाज आने की नसीहत दी थी। लेकिन इसे ताक पर रखकर 3 लड़के मेट्टूर डैम के बेहद करीब चले गए, पानी का बहाव देखने लगे, मोबाइल में तस्वीरें उतारने लगे। लेकिन इसी बीच अचानक ऐसी लहरें उठीं कि तीनों सैलाब में घिर गए। गनीमत थी कि टीले का आसरा मिल गया, वरना बचना नामुमकिन था। 3 जिंदगियों की मुसीबत में घिरने की खबर मिली तो रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद चली। आखिरकार इन फरिश्तों ने खुद जान हथेली पर रखकर तीनों को सुरक्षित बचा लिया। नदी में सैलाब है और बीच मझधार जेसीबी में 2 जिंदगी फंस गई तो हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। भारी बारिश हुई तो तेलंगाना के मैंचेरियल में गोदावरी नदी गरजने लगी। इसी दौरान ये दोनों लोग उफनती लहरों के बीच में फंस गए। आखिरकार वायुसेना का हेलीकॉप्टर आया, रस्सी के जरिए 2 जिंदगी को इस तरह रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की ऑपरेशन की यह तस्वीर भी मंचेरियल की ही है। यहां एक पानी की टंकी पर 2 लोग फंस गए। वायुसेना का चेतक हेलीकॉप्टर इनके लिए देवदूत बनकर यहां आया और दोनों को बचा लिया। चारों तरफ पानी और छत पर फंसी जिंदगानी। राहत के इंतजार में ये लोग कई घंटों से फंसे हुए थे। आखिरकार इन्हें भी हेलीकॉप्टर से ही एयरलिफ्ट करना पड़ा। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश ने कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से पार्किंग की छत ढही तो कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। भारत में हर साल बारिश नया रिकॉर्ड बना रही है। अनुमान तो इस बात का भी है कि 2050 तक भारत में 15 से 30% ज्यादा बारिश हो सकती है। IPCC की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में दक्षिण भारत में बहुत भारी बारिश की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दक्षिण भारत में 40% ज्यादा बारिश का अनुमान है। अगर दुनिया का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो भारत में हर साल 40% ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की मौजूदा आसमानी आफत की सबसे बड़ी वजहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
वो उफान फिर आ गया। वो तूफान फिर आ गया। वो संकट फिर छा गया। जो हर साल तबाह करता है, जो हर बरस बर्बाद करता है, हर साल जुलाई में वो आता है। तीन करोड़ लोगों को बंधक बना लेता है। दो हजार जिंदगियां निगल लेता है। बीस हजार करोड़ का सदमा देकर जाता है। तैरती तबाही से सावधान इंडिया। बूंद बूंद बर्बादी की ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो ऑल इंडिया रिपोर्ट आपने देखी, आखिर कैसे आधा हिंदुस्तान इस समय बाढ़ बारिश से परेशान है, तो आधे हिंदुस्तान अभी सूखे और गर्मी से बेहाल है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 1952 से 2018 के बीच बाढ़ से देश में 109,412 लोगों की जान जा चुकी है। इसी दौरान बाढ़ की वजह से करीब 5,00,000 करोड़ रुपए बर्बाद भी हो चुका है। बावजूद इसके सैलाब हमारे देश में कभी मुद्दा नहीं बना। सरकारें या राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर कभी भी गंभीर नहीं हुई और अब तो ऐसा लगता है जैसे इस देश की नियति मान लिया गया और राजा बनाने वाली प्रजा को डूबकर और बहकर मरने के लिए सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिया गया है। चलते चलते आपको धौलपुर से आई कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। धौलपुर में तेज बारिश हुई, बारिश से शहर किस तरह से जलमग्न हुआ, सड़क पर सैलाब जैसे हालात नजर आते हैं। देखिए, पानी में डूबकर वाहनों को निकलने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। जो निचली बस्तियां हैं वो पानी से सराबोर हो चुकी हैं, जलमग्न हो चुकी हैं। लगभग एक घंटे की बारिश से शहर की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। देखिए, राजस्थान के धौलपुर में बारिश से कैसे हालात यहाँ पर नजर आते हैं और यहाँ तेज हवा के साथ यहाँ पर तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो संकट है वो ना सिर्फ आसमानी साफ़त का बल्कि इस मौसम में बिजली का संकट भी और भी ज्यादा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, कई जगहों पे गाड़ियां जो हैं वो जलमग्न हैं। सबसे बुरे हालात निचली बस्ती इलाकों के हैं जहां पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। अब ऐसे में वहां पर रह रहे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि घर के अंदर पानी तो उसी तरह से हाल बेहाल घर के बाहर का भी है।